अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में हज़रत हसन शाह के मज़ार का ज़ियारत कराएंगे और ये रास्ता पोर्ट कासिम जो होते हुए मज़ार की तरफ जा रहा है। शाह हसन का मज़ार समंदर के किनारे रशियन बीच के किनारे पर मौजूद है। और इनका मज़ार समंदर के किनारे छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। तो आइए नाज़रीन चलते हैं मज़ार की तरफ। और आप जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे सीधे हाथ की तरफ हज़रत शाह हसन के साहबजादे नाथन शाह का कब्र है। और ये है हमारे सामने शाह साहब का मज़ार। और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। और ये है समंदर का किनारा जहाँ पर लोग पिकनिक के लिए अक्सर आते रहते हैं। बेहतरीन व्यूज़। आइए नाज़रीन हम आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। तो ये है शजरा मुबारक सैयद शाह हसन का। और साथ में इनकी जोजा मोहतरमा है। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि पहले यहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती थी। यहाँ पर किसी हुकूमत ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर सालों साल बारिशें भी नहीं होती थी। शाह साहब के मुरीद शाह साहब के पास गए और उनको सारा किस्सा सुनाया। तो हज़रत शाह हुसैन यहाँ पर आए और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और अल्लाह से मदद मांगी। तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान आता है। तो यहाँ पर जो जालिम थे, लोगों पर जुल्म करते थे, वो अंधे होने लगे, वो यहाँ से भाग गए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आप समंदर का पानी देख रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पानी नहीं था। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रिहायश पजीर थे। यहाँ पर अनाज भी था और आम के बहुत बड़े बाग हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया यहाँ पे, तो लोग यहाँ छोड़ के चले गए। और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन बुजुर्गान दीन के सदके हमारे गुनाह ही माफ़ फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।